देखिए येलो इंडिकेटर यहाँ पर जल गया है और हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। अब यहाँ पर हम बैटरी लेवल भी देख सकते हैं कितनी वोल्ट हमारी बैटरी चार्ज है, तो मैं देख लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है, तीनों LED जल रही है। इस सप्लाई को मैंने कैसे बनाया है चलिए शुरू करते हैं। इस सप्लाई के लिए सबसे पहले हमने 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लिया है 12012 और ये मुझको मार्केट से 130 रुपये का मिला है और 3 महीने की इसकी गारंटी भी आई है। तो आपकी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा 12012 2 एम्पीयर का, तो आपको भी लेकर के आ जाना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर 2 रेड वायर होंगे तो ये हमारे AC करंट के होंगे और इसके दूसरी तरफ आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो शुरुआत वाला वायर है ये 12 वोल्ट का है और जो रेड वाला है इसमें 0 वोल्ट आता है तो हमारी 12 वोल्ट बन जाती है और इसमें भी 12 वोल्ट आता है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों वायर को लें, 1 12 की 1 0 को, तो हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। अगर हम यहाँ पर इन दोनों वायर को ले, दोनों ब्लैक वाले वायर को, तो हमें 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांसफार्मर को पहले इस तख्ते के ऊपर फिट कर लेता हूँ। गाइस वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन गाइस इसमें काफ़ी सारी नॉलेज है। हम इसको ऐसी सप्लाई बनाएंगे, अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी ना तो ऑटो कट यहाँ पर कर देगा और एक्स्ट्रा हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो बैटरी भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रांसफार्मर को हमने लगा दिया है इसमें काफ़ी बड़े से। अब इसके लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा, उसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर 4 डायोड, 5408 का एक डायोड यानी 3 एम्पीयर का ये डायोड आपको मिल जाता है। हमारा ट्रांसफार्मर 2 एम्पीयर का है तो इसलिए हमने 3 एम्पीयर के डायोड लिए हैं। जो यहाँ पर रेड वाली पट्टी और सिल्वर वाली है पॉजिटिव है, व्हाइट वाले हमारे नेगेटिव है जो कि ब्लैक है पीछे से। तो चलिए पहले हमें इसका ब्रिज बना देना है। तो यहाँ पर आपको दोनों सिल्वर वाले को ले लेना है पहले और इनको ऐसे टाइट कर देना है दोनों को आपस में। और देखिए हमने इसको यहाँ पर टाइटली कर दिया है। अब यहाँ पर आपको दोनों जो ब्लैक वाले हैं इनको लेना है एंड इसको भी यहाँ पर टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको बना दिया है और अब इन दोनों को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो या फिर आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के वायर लगाएंगे। तो इनको हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। और गाइस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी बारीकी से समझाई, प्लीज़ वीडियो को देखते हुए चलना तभी आप इसको बना पाओगी। सिल्वर वाला हमारा पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है, इधर हमारे जुड़ेंगे ट्रांसफार्मर के वायर। तो पहले जो एक्स्ट्रा लैग हैं इनको हम कट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस अब यहाँ पर हमने इनको कट कर दिया है। अब ये है हमारे पास ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर को जोड़ना है। तो गाइस कई बार क्या होता है कि जो हम इस पर कैपेसिटर लगाते हैं ना तो वो ब्लास्ट हो जाता है या फिर गर्म हो जाता है या फिर वो फूल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये क्यों फूलता है। जैसे गाइस हम इसमें 12 वोल्ट सप्लाई लेंगे तो आपको उससे डबल मात्रा का कैपेसिटर लेना होगा। तो 12 वोल्ट की सप्लाई लेंगे तो हमें 24 वोल्ट का कैपेसिटर लेना है, लेकिन 24 वोल्ट का नहीं आता तो हम 25 वोल्ट का ले सकते हैं। लेकिन मैं भी इसमें से 12 वोल्ट ही लूँगा तो मैं क्या करूंगा, इससे भी जो हैवी आता है मैं उसको ले लेता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफैरड का ये मैंने कैपेसिटर लिया है और ये बिल्कुल ब्लास्ट नहीं होगा। ये है इसकी माइनस वाली लैग जिधर माइनस लगा है और ये प्लान वाला हिस्सा हमारा प्लस का होता है। दूसरी पहचानी इसकी ये होती है, जो बड़ी लैग है वो प्लस की, छोटी लैग माइनस की। सिंपल है गाइस, समझ सकते हैं आप। अब गाइस यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी बड़ी वाली लैग यहाँ पर जोड़ना है जिधर हमने दोनों सिल्वर को जोड़ रखा है, ये हमारा प्लस है। तो हमने यहाँ पर प्लस वाली लैग को तो हमने प्लस पे जोड़ दिया है और जो माइनस वाली लैग है उसको हमने जोड़ दिया है जिधर डायोड के दोनों माइनस वाली है। ये देख सकते हैं डायोड को दोनों माइनस पे और प्लस वाला प्लस पे। अगर आप इसको उल्टा करके लगा देते हो ना तो ये तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको लगाओगे और इसमें सप्लाई आएगी तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। जिधर ये प्लस माइनस वाले हैं ना दोनों साइड, इस तरफ हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर के वायर। तो पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है ना उनको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको AC पे रखा है क्योंकि इसमें AC करंट निकलेगा, DC करंट निकालने के लिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ कितनी वोल्टेज इसमें से आती है। तो यहाँ पर आप देखना मल्टीमीटर में, तो देखिए यहाँ पर 12.6 यानी यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसको तो हम कोई खास वोल्टेज नहीं मान सकते, तो यहाँ पर इसमें से 12 वोल्ट निकल रही हैं। अगर हम एक वायर रेड वाला लेते हैं और एक ब्लैक वाला, अगर हम दोनों ब्लैक वाले वायर लेंगे तो यहाँ पर देखना 25 वोल्ट आ रही है इसमें से, तो 25 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है। तो अब गई समय 12 वोल्ट आउटपुट लेना है तो हम यहाँ पर इन वायर को जोड़ेंगे। और अगर आपको इसको 24 वोल्ट का आउटपुट बनाना है, मतलब 24 वोल्ट इससे आउटपुट लेना है, तो आपको यहाँ पर कैपेसिटर भी हैवी लगाना होगा और उन दोनों वायर का यूज़ करना होगा, बीच वाले वायर को आपको छोड़ना होगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर हम इसको चिपका देते हैं। तो अब गाइस इस पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ जिससे जो ये वायर है ये मतलब यहाँ से नहीं निकलेंगे और हम इस पर और वायर भी सोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारी यहाँ से 12 वोल्ट DC करंट निकलेगा और जो ट्रांसफार्मर का तीसरा वायर था उसको हमने यहाँ पर टेपिंग करके ऐसे लगा दिया है, वरना ये किसी और वायर से शॉर्ट हो सकता था। अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे लगा दिया है और गाइस देख सकते हैं ये दोनों वायर हमने ऐसे जोड़ दिए, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। और ये है हमारे AC करंट के वायर,
तो अब यहाँ पर आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाने के लिए आपको 5 LED लेनी है और एक 1K का रेजिस्टेंस को ले लेना है। और इसकी यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी लैग पॉजिटिव, छोटी लैग नेगेटिव होती है। तो हम जो इसके कनेक्शन करेंगे ना वो सीरीज में करेंगे। एक LED का आपको यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, दूसरी LED की नेगेटिव लेनी है। तो ऐसे आपको इसमें सोल्डरिंग कर देना है, सीरीज कनेक्शन कहते हैं जिसको। तो हमने यहाँ पर इन 5 LED को लगा दिया है और इधर यहाँ पर नेगेटिव निकला है और ऊपर वाली लैग पॉजिटिव। तो अब हमें इनके बीच में यहाँ पर 1K का जो रेजिस्टेंस है उनको जोड़ देना है। अब जो ये रेजिस्टेंस है इन सभी की लैगों को भी हमें आपस में ऐसे जोड़ के बाहर निकाल देना है। तो देख सकती हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आया वो हमारा पॉजिटिव है और LED से आया वो हमारा नेगेटिव है। तो इसमें 5 LED काम की नहीं है, हम देखेंगे कि 12 वोल्ट पे कितनी LED ग्लो करती है। ये है 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है ये चार्जर, तो हम यहाँ पर इससे देखेंगे। तो यहाँ पर जो वायर है इसके, तो सबसे पहले इसकी भी वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं 11.98 मतलब 12 वोल्ट ही आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ, अब पता लग जाएगा हमें कितनी LED जलेगी। तो देख सकते हैं 12 वोल्ट में हमारी 3 LED यहाँ पर जल रही है, पहली दूसरी और तीसरी यहाँ पर थोड़ी कम जल रही है। तो हम इन 3 ही LED को रखेंगे, जो बाकी यहाँ पर 2 LED है उनको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमें इन 3 को छोड़ देना है और इनको निकाल देना है ऊपर वाली को। तो फाइनली देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमने इनको निकाल दिया और जो वायर है हमने इनको जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी जो बॉडी है वो हमें आगे लगानी होगी, मतलब जो पाइप है पाइप से हम इसकी बॉडी बनाएंगे। तो देखिए मैंने एक सीट को यहाँ पर कट किया है और हमने इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन रखे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें जहाँ पर हमने पॉइंट बनाए हैं आपको भी ऐसे बना लेने हैं और उन सभी में आपको होल कर देना है, जो काटने की चीज़ है उनको कट कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने इन सभी को यहाँ पर निकाल दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें इसमें काफ़ी सारे सामान लगाने वाले हैं, तो ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे या फिर कुछ सामान आपके घर पर भी होगा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह ऑडियो वीडियो सॉकेट, मैं इनके नाम भी आपको बता देता हूँ। एक आपको ले लेना है और यहाँ पर लेना है एक SPST स्विच, एक आपको 3-पिन स्विच यहाँ पर ले लेना है, इसको भी लगा देना। एक हमें लेना है AC इंडिकेटर, तो मैं यहाँ पर AC इंडिकेटर ले रहा हूँ। तो मतलब AC वाला नहीं है, AC करंट से चलता है। तो हमने LED लगा दिया है इसमें और यहाँ पर हमें बैटरी लेवल इंडिकेटर जो हमने बनाया है इसको लगा देना है। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं, काफ़ी सिंपल है इनको लगाना। देख सकते हैं फाइनली हमने इन सभी को लगा दिया है और लगने के बाद काफ़ी मस्त लग रहे हैं। तो सभी कंपोनेंट लगाने के बाद अब हमें इसके कनेक्शन करने होंगे, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें किसके कनेक्शन करने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 LED लगी हुई है यहाँ पर, ग्रीन और येल्लो। इन LED के दोनों का आपको माइनस वाला लैग ले लेना है, जो कि छोटी लैग होती है। इन दोनों का आपको आपस में यहाँ पर सोल्डरिंग कर देनी है और सोल्डरिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा लैग है उसको कट करके इस पर आपको एक 1K का रेजिस्टेंस को जोड़ देना है, क्योंकि हम इसको 12 वोल्ट से चलाएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो ये फूक जाता है। एक आपको यहाँ पर ब्लैक वायर लेना है जो कि हमारा नेगेटिव है, इसको जोड़ देना है ऑडियो वीडियो सॉकेट पर। और मैंने इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ सोल्ड कर दिया ताकि जो हमारा ये है ना एक ही हमारा पूरा नेगेटिव बन जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट जोड़ देता हूँ 1K के रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे सोल्ड कर दिया है ऊपर और नीचे, और यहाँ पर हमने इस वाले के ऊपर किया जो कि हमारा नेगेटिव होगा, ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया अभी। अब हमें लेना है एक 12 वोल्ट का रिले और ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ये आपको 10 या फिर 15 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो इसमें यहाँ पर एक तरफ 3 लैगी है और एक तरफ 2 लैगी है। अब हमने लिया है एक ट्रांजिस्टर BC548, आप यहाँ पर BC547 भी ले सकते हैं। इसकी तीनों टांगों को ऐसे फैला दिया हमने, जो इसकी फर्स्ट वाली लैग है इसको हमें जोड़ना है रिले की फर्स्ट वाली लैग के ऊपर। तो यहाँ पर हम इसकी सोल्डरिंग को ऐसे कर देते हैं। अब हमने लिया है एक 10K का पोटेंशियोमीटर, इसको प्रीसेट के नाम से ही जाना जाता है मार्केट में। तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, इसको आपको जोड़ देना है बीच वाली लैग के ऊपर। और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर आपको 3.3K का रेजिस्टेंस लेना है, नहीं था मेरे पास तो मैंने 1K के 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए सीरीज में। तो अब यहाँ पर ये 3K का बन चुका है। अब हमें इन दोनों लैग को हमें शॉर्ट कर देना है ऐसे, और सीधा ही हमने फिर जोड़ दिया है इस प्रीसेट की सेकंड वाली लैग पर। अब एक लैग ट्रांजिस्टर की बची है, एक लैग प्रीसेट की बची है, इन दोनों को हमें आपस में शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक वायर ले रहा हूँ क्योंकि हमारा नेगेटिव भी यहीं से ही निकलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन कर दिए। अब ये दोनों यहाँ पर खुंटियाँ बची है, इन पर हमें दोनों अलग अलग कलर के वायर जोड़ने होंगे। तो एक पर मैं यहाँ पर येल्लो वाला वायर जोड़ देता हूँ और एक पर हम जोड़ेंगे यहाँ पर रेड वाले वायर को। तो गाइस यहाँ पर आपको रिले के कनेक्शन उल्टे नहीं करने, वरना जो है ये रिले भी ख़राब हो जाएगा और आपका यहाँ पर काम भी नहीं करेगा।
अब जो ये वाली लैग है जो हमने शॉर्ट की हुई थी, इसके ऊपर हमें जोड़ देना है इस वाले को जो कि हमारा प्लस वाला वायर है। तो देख सकते हैं हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जो ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर वायरिंग करनी है इसकी। तो सबसे पहले इस रिले को हम चिपका लेते हैं, वरना ये इधर उधर भागेगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख के और यहीं पर इसको चिपका देता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर रिले में से एक हमने ये ब्लू वाला वायर निकाला था, इसको जोड़ देना है। जहाँ पर हमने कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली लैग को जोड़ रखे है वहीं पर हमें इसको सोल्ड कर देना है। तो यहीं से हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा। और जो ये हमने ट्रांजिस्टर की लैग पे नेगेटिव वायर जोड़ा था, इसको कट करके सीधा नेगेटिव पर जोड़ देना है जहाँ पर डायोड के दोनों नेगेटिव जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, आपको मैं पास से भी दिखाऊंगा कनेक्शन, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से। और अब यहाँ पर दो वायर बचे हैं, रेड और येलो। तो यहाँ पर जो येलो वाला वायर है इसको तो हमने जोड़ दिया है एलईडी के पॉजिटिव के ऊपर जो कि लैग बच रही थी इसकी। और ये रेड वाला वायर है इसको जोड़ देना है ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव पर। तो इसको यहाँ पर सोल्ड कर दिया है मैंने। और अगर आपके पास यहाँ पर रेड एलईडी है ना, तो येलो की जगह पर आप रेड एलईडी को लगा लेना। अब गाइस यहाँ पर हमने लिया है एक माइनस वाला वायर यानी कि जो नेगेटिव है, तो इसको हमें जोड़ देना है यहीं पर जहाँ पर हमने इसको जोड़ रख, जहाँ पर हमने एलईडी के नेगेटिव रखे थे यहीं पर हमने इसको भी जोड़ दिया है। और अब इस वाले नेगेटिव वाले वायर को सीधा यहाँ पर जोड़ देना है जहाँ कैपेसिटर की नेगेटिव वाली लैग को हमने जोड़ा हुआ है, तो यहीं पर हमने जोड़ दिया इसके। और गाइस देख सकते हैं हमने सीधा इसको ऐसे जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन करने हैं जो कि पॉजिटिव आउटपुट होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वायर लिया है, इसको हमें जो ग्रीन एलईडी है इसके पॉजिटिव से इस पर लगा देना है स्विच के ऊपर जो कि यहाँ पर 3-पिन स्विच है। तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने बिल्कुल सीधा। और फिर से आपको एक रेड वायर लेना होगा और इस रेड वाले वायर को हम जोड़ेंगे इसके ऊपर। तो इसकी भी हमें दोनों मतलब बॉडी से भी टच कर देंगे और ऊपर से भी टच कर देंगे जिससे कि जो हमारा है ना ये पूरा ही पॉजिटिव बन जाता है। और अब हमने इसको जोड़ दिया है इसके बीच वाली लैग पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ दिया हमने। अब ये बची है थर्ड लैग। और गाइस ये बचा हुआ है बैटरी लेवल इंडिकेटर, इसके भी वायर करने हैं। फिर से हमने एक पॉजिटिव वायर लिया है, इसको जोड़ देना है इस रेजिस्टेंस के ऊपर और इसको हमने सीधा जोड़ दिया है जो थर्ड लैग बची हुई थी इस स्विच की। और इसके यहाँ पर एलईडी के ऊपर जोड़ देना है जो कि एलईडी की नेगेटिव लैग है, इसको सीधा यहाँ पर हमने नेगेटिव पर जोड़ दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेगेटिव जोड़ा है इस पर और यहाँ पर जो ये पॉजिटिव है इसको सीधा जोड़ दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं सीधा हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है और जो नेगेटिव है इसको यहाँ से सीधा हमने यहीं पर ही जोड़ दिया है। तो अब जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे ना, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ऊपर रहेगा तो ये यहाँ पर इसमें पावर आएगी, नीचे को हम इसमें ऑन करेंगे ना तो ये जलेंगे। जैसे मैंने इसको नीचे ऑन किया यहाँ की पावर ख़त्म हो जाएगी, फिर यहाँ पर ये जल जाएगा, लेकिन तब जलेगा जब हमारी बैटरी लगी होगी। अब गाइस ये है एसपीएसटी स्विच बचा है और एक यहाँ पर इंडिकेटर बचा है। एसपीएसटी स्विच की एक लैग पर हमने जोड़ दिया है ट्रांसफार्म का एसी वाला वायर जो इसमें हम वायरिंग करेंगे। और यहाँ पर एक इंडिकेटर है उसका भी वायर को हमने यहीं पर जोड़ दिया है ट्रांसफार्म के साथ ही। अब यहाँ पर एक वायर बचा है बैटरी लेवल इंडिकेटर का और दूसरा वायर बचा है ट्रांसफार्म का, इन दोनों को भी ऐसे जोड़ दिया है हमने। अब हमें एक पावर कोड चाहिए जिसमें हम यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्विच की लैग बची हुई है और एक वायर बचा हुआ है ट्रांसफार्मर का। तो अब यहाँ पर यह है पीछे वाला ढक्कन इसका, इसको हमें यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए इसमें हमने दो बारीक होल किए हैं और इसके आगे भी होल कर दिया है हमने ताकि हम इसको यहाँ पर टाइट कर सकते हैं स्क्रू द्वारा। तो मैं इसको यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। तो गाइस अब हमने यहाँ पर पावर रीड लिया है, इसको लगाना है इसके पीछे से। तो मैं यहाँ पर इसको रीड को निकाल देता हूँ ऐसे। तो रीड को निकालने के बाद एक वायर आपको जोड़ देना है इसके साथ जहाँ पर हमने इंडिकेटर का और ट्रांसफार्मर का दोनों वायर को जोड़ रखा था। तो हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर और एक वायर को जोड़ देंगे जो स्विच की एक लैग बची है क्योंकि हमें इसको ऑन ऑफ करना है ट्रांसफार्मर को। तो हमारे कनेक्शन तो कम्प्लीट हो गए, अब इस पर हम टेपिंग करेंगे। तो पहले सोल्डरिंग कर देता हूँ जिससे वायर नहीं टूटे और अब यहाँ पर इस पर टेप भी लगा देते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने टेपिंग वेपिंग सब कर लिया है, अब हमें सिंपली इसको यहाँ पर लगा देना है जो इसके आगे वाला ढक्कन है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लगा के इसको टाइट कर देंगे। गाइस यार बनने के बाद लुक तो इसका काफ़ी मस्त लग रहा है यार आगे से। और अब जो ये वायर है इसमें हम जिप टाई लगा देंगे ताकि यहाँ पर जो ये वायर है पीछे नहीं खींचेंगे और जो अंदर के कनेक्शन है वो भी नहीं ख़राब होंगे हमारे। तो गाइस यहाँ पर जो ये तो कंप्लीट हो गया है, अब हमने इसके ऊपर का ढक्कन है वो नहीं बनाया है, उसको भी बनाएंगे। तो मैं पहले आपको क्या करता हूँ, इसकी जो कनेक्शन है ना वो समझा देता हूँ क्योंकि गाइस कनेक्शन थोड़े आपको हार्ड नज़र आए होंगे इसके। तो चलिए अब आप कनेक्शन समझ जाओगे, आपको सर्किट डायग्राम को देखना है। सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है, इसके एक साइड दो वायर दिए गए थे, एक साइड इसके तीन वायर 12 0 12। इसमें से डीसी करंट को निकालने के लिए हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था।
तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो हमने ट्रांसफार्मर का एक वायर लिया है इसको यहाँ से हमने सीधा जोड़ दिया, जहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का एक माइनस एक प्लस जुड़ा हुआ है इसके ऊपर हमने सीधा जोड़ दिया इस वाले वायर को। अब जो ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर आया था जो कि जीरो वाला था, और इसको हमने इधर जोड़ दिया जहाँ पर एक पॉजिटिव था और डायोड का एक नेगेटिव था, तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, ये दोनों कंप्लीट हो गए थे हमारे वायर। और जो तीसरा वायर है ना इसको नहीं जोड़ना आपने, अगर आप 12 वोल्ट की सप्लाई बना रहे हैं तो आपको ये एसी वाले वायर है इसको तो ऐसे जोड़ देना है, स्विच से होकर के जोड़ देना है आपको, एक वायर को कट करके स्विच के ऊपर जोड़ देना है। सेम उसी प्रकार से आपको जो इंडिकेटर है उसके भी वायर को जोड़ देना है, ये तो काफ़ी सिंपल है और इसको तो कोई भी कर लेगा। अब ये कनेक्शन है ये समझना है आपको। फिर हमने यहाँ पर एक 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लिया था, इसकी पॉजिटिव लेग को जोड़ा हमने जिधर डायोड के दोनों सिल्वर वाले पॉइंट थे, इनके ऊपर हमने पॉजिटिव को जोड़ दिया, नेगेटिव को हमने यहाँ से होते हुए ऐसे ले गए, इसको जोड़ा यहाँ पर जहाँ डायोड के दोनों ब्लैक वाले थे, तो हमने नेगेटिव को ऐसे जोड़ दिया है। और फिर हमने ऑटो कट के लिए एक रिले लिया था जो ये यहाँ पर 12 वोल्ट का रिले था, और यहाँ पर रिले के ऊपर एक तरफ तो तीन लेग निकली हुई थी, इसकी जो रिले की फर्स्ट लेग है ना उसके ऊपर हमने ट्रांजिस्टर की फर्स्ट लेग को जोड़ दिया जिसका नंबर था BC548 या BC547। एक हमने प्रीसेट लिया था उसकी मिड वाली लेग को हमने जोड़ा था इसकी ट्रांजिस्टर की मिड वाली लेग पर, और जो साइड वाली लेग है उसमें हमने 3.3K का रेजिस्टेंस को जोड़ा था और इन दोनों लेगों को भी शॉर्ट किया हुआ था हमने। फिर यहाँ से हमने एक वायर सीधा यहाँ पर जोड़ दिया जहाँ पर हमारा पॉजिटिव है ड्राइव बोर्ड के ऊपर, हमने इसको जोड़ दिया था यहाँ पर सीधा वायर इसको ऐसे, आप देख सकते हैं कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। अब रिले पे से दो वायर निकले हुए थे, जो हमारी रेड LED है वो मैंने उसकी जगह पर येलो LED का यूज़ किया है, तो पहले हमने यहाँ पर येलो LED और ग्रीन LED दोनों का नेगेटिव को ऐसे जोड़ा और यहाँ से ले गए सीधे यहाँ पर जोड़ दिया हमने, जहाँ पर हमारा आउटपुट निकला हुआ है माइनस, और यहाँ पर हमने 1K का रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसमें से पॉजिटिव निकला जो कि ग्रीन LED है, इसको सीधा यहाँ पर जोड़ दिया जहाँ पर हमारा पॉजिटिव आउटपुट है, तो हमारा पॉजिटिव आउटपुट निकला था ग्रीन LED की पॉजिटिव से। अब जो रिले की जो सेकंड लेग थी उसको हमने यहाँ पर जोड़ा जो हमारा येलो LED थी। अब यहाँ पर हमने एक बैटरी लेवल इंडिकेटर भी बनाया था, और इसके कनेक्शन तो मैंने आपको वैसे प्रैक्टिकल करके दिखाई दिए हैं, तो आई होप कि आप सर्किट डायग्राम को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें इसका जो बॉक्स है उसको लगाना है, तो मैंने एक PVC शीट से बॉक्स बनाया है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और ऊपर हमने छोटे छोटे कट बनाए हैं और इधर हमने काफ़ी सारे होल किए हैं क्योंकि इधर हमारा ट्रांसफार्मर के ऊपर एरिया आएगा तो ट्रांसफार्मर हीट ना हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर होल बनाए हैं इसके। तो देखिए यहाँ पर जो हमें इसके कवर को लगाने के बाद ना तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने वाला है। तो गाइस अभी हमें इसको बंद नहीं करना है क्योंकि अभी इसकी सेटिंग नहीं हुई है, अभी आपको तो यह है कि बन गए लेकिन ये अभी नहीं, इसकी सेटिंग करनी है आपको, पहले आपको इसको खुले को ही चलाना है। तो यहाँ पर मैंने पावर लगा दिया इसकी, और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा ना तो ये जलेगा देख सकते हैं, और यहाँ पर ये येलो और यहाँ पर रेड इंडिकेटर जलेगा जो कि हमारे ट्रांसफार्मर से जला हुआ है, और यहाँ पर एक येलो LED जली हुई है, ये इंडिकेटर अभी नहीं जलेगा और यहाँ पर ग्रीन LED भी अभी नहीं जलेगी। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखाऊंगा कि हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है, मैंने इसको DC 20 वोल्ट पर कर दिया है, और यहाँ पर गाइस जो स्विच है इसके अंदर हाथ मत लगा देना वरना करंट लग जाएगा, जो कि ये ब्लैक स्विच है। अब यहाँ पर मैंने इसकी अंदर लगाया, इसको देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है बिल्कुल भी, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो शुरुआत में आपके में भी कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसको सेट करना है। यहाँ पर ये लगाया इसके ऊपर प्रीसेट, तो इसको हमें यहाँ पर घुमाते जाना है, और जैसे कि यहाँ पर गाइस ये येलो LED है ना खुद ही बंद हो जाएगी, तो ऐसे आपको घुमाना है इसको, तो जैसे गाइस यहाँ पर येलो LED बंद हो गई, रेड LED जल गई, और यहाँ पर 16 वोल्ट है जो कि ज़्यादा है, हमारी बैटरी को ख़राब कर देगा, तो हम इसको फिर से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हमने इसको कम कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं अब ये 13.5 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, और इतने में हमारी बैटरी है ना बिल्कुल सेफ रहेगी, तो आपको भी 13.5 वोल्ट 13.5 वोल्ट फिर 14 वोल्ट तक आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको टाइट कर देते हैं क्योंकि ये हमारी सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस अब यहाँ पर हमने सभी के नाम भी लिख दिए हैं, ये देख सकते हैं फुल चार्ज होने पर ये जलेगा हमारा, चार्जिंग स्टार्ट पर हमारा ये जलेगा, और यहाँ पर ये है बैटरी लेवल, तो ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज लिख दिया है, बैटरी लेवल तब जलेगा जब हम इस स्विच को नीचे की तरफ दबाएंगे, तब यहाँ पर ये LED जलेगी। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ पर मेन सप्लाई है, और यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट DC मिलेगा हमें। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो चलाई है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो TV वाली रीड आती है ना उसको लेके यहाँ पर इनको लगा दिया जिससे कि हम बैटरी को इजिली चार्ज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वाले को हमने पॉजिटिव में लगा दिया है और नेगेटिव वाले को नेगेटिव में। इसको मैंने ऑन किया तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर करंट आ चुका है, यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जल रही है। तो
तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसको, पहले मैं इसको बैटरी पे कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर गाइस ये है बैटरी, और यहाँ पर गाइस इसकी गारंटी अभी भी है, और ये बैटरी गाइस पता नहीं क्यों नहीं चार्ज हो रही। तो पहले मैं आपको इसकी वोल्टेज है वो चेक करा देता हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने इसको डीसी पे सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर देखिए 4.39, मतलब यहाँ पर 4.5 वोल्ट भी चार्ज नहीं है। और ये बैटरी कितना वोल्टेज देती है, बैटरी देती है 12 वोल्टेज देती है बैटरी, लेकिन यहाँ पर ये 4.5 वोल्टेज भी चार्ज नहीं है। तो अब चलिए हम इसको चार्ज करके देख लेते हैं। जो ये यहाँ पर ब्लू वाला है इसको हमने लगा दिया है नेगेटिव में, और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं अभी हमने इसको ऊपर कर रखा है। जैसे हम इसको नीचे करेंगे ना तो यहाँ पर लेवल दिख जाएगा हमें, तो यहाँ पर पहले हम इसका लेवल देखेंगे। तो इसको लगा देते हैं, इसको यहाँ पर लगाया। अब देखना गाइस, देख सकते हैं हमारा जो मीटर है ना ये भी 4 वोल्ट ही दिखा रहा था, और जो हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर हमने लगा रखा है ये भी देख सकते हैं 4 वोल्ट ही दिखा रहा है, यानी हमारी बैटरी 4 वोल्ट ही चार्ज है। और हमारे देख सकते हैं कितना अच्छा ये इंडिकेटर काम कर रहा है जो कि हमने बनाया। 8 वोल्ट तो काफ़ी कम ग्लो कर रहा है, वैसे ये 4 वोल्ट ही चार्ज है। तो हमारा ये है ना प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इसको ऊपर दबाएंगे, लेवल इंडिकेटर बंद हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन एलईडी हल्की सी यहाँ पर कम हो जाती है। गाइस फुल चार्ज होते ही जो यहाँ पर ग्रीन एलईडी है ये बंद हो जाएगी, येलो एलईडी खुद पर खुद जल जाएगी। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अगर आप इसको रात भर लगाओगे ना तो भी आपकी यहाँ पर बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रीन एलईडी है वो बंद हो गई है, और मैंने इसको 3 घंटे लगाया, और यहाँ पर ये येलो एलईडी है ये यहाँ पर ग्लो कर रही है। अब जा तो यहाँ पर ये येलो एलईडी ग्लो कर रही है ना, तो इसमें पावर आनी बंद हो चुकी है, मतलब बैटरी में पावर नहीं जाएगी। अब जा ग्रीन एलईडी बिल्कुल बंद है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका लेवल दिखाता हूँ अब कितनी चार्ज है ये हमारी बैटरी। तो इसको जलाने के लिए ना हमें यहाँ पर इसको दबाना होगा नीचे की तरफ। तो चलिए इसको दबा लेते हैं, यहाँ पर ऑन हमने बैटरी लेवल ऑन करना है, और यहाँ पर ये भी जलेगा और ये भी जलेगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर गाइस पहले 4 वोल्ट था, अब यहाँ पर टोटल यहाँ पर 12 वोल्ट, मतलब जो हमारा इंडिकेटर है ये तो अच्छा वर्क ही कर रहा है, पर जो हमने यहाँ पर सप्लाई बनाई है ये भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। गाइस वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल रियल मैंने दिखाया आपको। और इसके नीचे हमने ढक्कन लगा दिए हैं जिससे कि यहाँ पर ये इसके छोटे छोटे पावे बन गए हैं। तो यहाँ पर हमारी बैटरी तो चार्ज हो गई है, अब इससे हम कुछ चला करके देखेंगे। और ये वही बैटरी है, ये देख सकते हैं आपको मैंने पहले ही दिखा देता, तो आपको इसकी पहचान रख लेनी है। और यहाँ पर अब मैं इसकी पहले वोल्टेज चेक कराता हूँ अब कितनी वोल्ट चार्ज है, 11.95, 11.96, मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट ही हमारी बैटरी चार्ज है, कुछ ही यहाँ पर परसेंट कम है बस हल्की सी। मतलब अगर आपको इसको 12 या 12.5 वोल्ट तक चार्ज करना है ना, तो आपको प्रीसेट को 14 वोल्ट या फिर 16 वोल्ट पे सेट करना होगा, तभी यहाँ पर ये 12 वोल्ट तक या फिर 12.5 वोल्ट तक जा पाता है। तो अब यहाँ पर हमें इसको लगा देना है, देख सकते हैं ये मोटर है ना काफ़ी अच्छे चल रहा है, यानी पहले इसमें 4 वोल्ट थी, अब यहाँ पर ये 12 वोल्ट के मोटर को भी चला रहा है, और ये काफ़ी हाई टॉर्क वाला मोटर है। इसको भी देखते हैं, ये गाइस देख सकते हैं गाइस ये भी चल गया है हमारा मोटर। पहले इस बैटरी में से निकल रहा था 4 वोल्ट, जो कि इन मोटर को घुमाना काफ़ी मुश्किल था, और ये मोटर चलता है गाइस 24 वोल्ट से। तो गाइस बस ये था हमारा प्रोजेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो चलिए गाइस मैं नेक्स्ट में मिलता हूँ। जय हिंद जय भारत।